चलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग समीकरण। ये वर्ग समीकरण क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें जाने के पहले आप पहले ये देखिए, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। अब ये बहुपद आप पिछले चैप्टर में, जस्ट फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े थे, उसमें जो बहुपद थे वो रेखीय बहुपद थे। कैसे थे? लिनियर पॉलिनोमियल्स, रेखीय बहुपद थे। उसका स्वरूप ऐसा था, 5x+9, 3x-7, ठीक है। लेकिन जरा इसमें आप देखिए, ये भी बहुपद है, ये बहुपद वर्ग बहुपद कहा जाता है। वर्ग क्यों कहा जाता है? अब यहां देखिए, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये वर्ग है यहां पे ना, और ये बहुपद है, ठीक है। तो आज हम इसी वर्ग बहुपद के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अब ये जो वर्ग बहुपद है, इसमें पढ़ने के पहले हमें वर्ग समीकरण ये समझना है, तो पहले हमें दो बातें समझनी पड़ेंगी। पहला, वर्ग समीकरण हम उसको ही बोलेंगे जिसमें एक ही चरांक होगा, वेरिएबल। मतलब अगर यक्स है तो पूरा यक्स ही रहेगा, वाई है तो वाई रहेगा, सी है तो सी रहेगा, ए है तो ए रहेगा, यम है यम, पूरे में हमें एक ही चरांक चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, इसमें जो अचर है वह ए होगा, बी होगा, सी। ये अचर है, ये नंबर है, ये गिनती है। लेकिन ये जो है ना, ये बराबर 0 नहीं हो सकता, ये होगा चलेगा, ठीक ना। ये दो कंडीशंस जहां पाई जाएंगी वहां पर आप इसको बोलेंगे कि यह वर्ग समीकरण है। कौन कौन कंडीशन? एक ही चरांक हो, अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो समझ आएगा, और उसमें जो ये अचर है ए बी सी, उसमें ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम एक हो, 0 ना हो। तब ऐसी चीजें, दो चीजें जहां पर हैं वहां पर हम उसको बोलेंगे। और दूसरा, तीसरी बात, इसका घातांक, घातांक जो है 2 हो, अधिकतम घातांक, माने अधिकतम इससे ज्यादा होगा तो भी हम नहीं बोलेंगे कि वर्ग समीकरण है, और कम होगा तब भी नहीं बोलेंगे। अभी एग्जाम्पल हम यहां कर लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। अब ये देखिए, ये है वर्ग समीकरण का स्वरूप मैंने दिया है। अब इसको आप समझिए, इसमें जो x है ये, और ये क्या है? ये है चरांक है, और जो a है, b है, c है, ये वास्तविक संख्या है, अचर है। एग्जाम्पल देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं, इसको लिखता हूं 5x²-2x+c=0, c+7=0 हो गया, ठीक है ना। अभी देखिए, ये चर है, वेरिएबल है, ये यक्स यहां भी है, यक्स यहां है। अगर यहां वाई होता तो यहां वाई होता, यहां एम होता तो एम होता। माने ये जो चरांक है, वेरिएबल है, ये सेम रहेंगे, नंबर एक। और यहां पर ये क्या है? क्या है ये? अचर 5 2 7। ये 5 जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 होगा तो भी चलेगा, 2 3 4 5 6 होगा तो भी चलेगा, ये भी 0 होगा तो भी चलेगा, कुछ और नंबर रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसे तीन चीजें देखिए। पहला, एक ही प्रकार का चरांक है यहां पर, ठीक है, एक ही है ना, यक्स है पूरा। नंबर दो, यहां पर ए है, बी है, सी है, लेकिन लेकिन ए बराबर 0 नहीं है, ठीक है। अब तीसरी बात इसमें क्या है, इसकी जो घातांक है ना, घातांक मैक्सिमम, अधिकतम घातांक कितनी है? 2 है। ये तीन चीजें आपको जहां मिल जाएंगी, उस समीकरण को आप वर्ग समीकरण बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। याद रखना, बड़ा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसी को और रूप में। अब ये जो समीकरण है, ये ध्यान देना, यहां पर ये समीकरण है
5x square minus 2x plus 7, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 5x square minus 2x equal to minus 7, ठीक है, ऐसा भी चलेगा। 5x square equal to 2x plus 7, ऐसा भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये ऊपर का जो देख रहे हैं 5x square minus 2x plus 7, इसको हम बोलते हैं सामान्य रूप, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। आपको एग्जाम में आता है समीकरण इस रूप में दिया जाएगा या ऐसे दिया जाएगा, उसको आपको मानक रूप में लिखने को बोला जाता है, एक नंबर क्वेश्चन होता है, तो क्या करेंगे, जो लास्ट में है इसको यहाँ अंदर कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो आपका ये हो जाएगा सामान्य रूप, बराबर है। अब ध्यान देना यहाँ पर, तो आपने क्या क्या समझा, यहाँ पर चरांक क्या है, अचरांक क्या है, मानक रूप, सामान्य रूप क्या है, अब गुणांक क्या है, जरा देखिए गुणांक, गुणांक किसका देखिए 5 है, नहीं x का गुणांक 5 है, और यह x गुणांक कितना है, माइनस 2 है, ठीक है, तीसरा हम गुणांक बोलते हैं। आइए हम आपको लेके चलते हैं 2.1 में एक प्रश्न हल करेंगे, तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब यह देखिए यहां पर 2.1, यह है 2.1, आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ग समीकरण का एग्जाम्पल लिखो। वर्ग समीकरण लिखने के लिए ढेर तरीके हैं, जैसे मैंने अभी एक यहां लिखा था, देखिए 3x square plus 2x minus 3 equal to 0, ये वो समीकरण है ना, या 5y square माइनस 2y इक्वल टू 0, ये भी है, नहीं 6x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी है, ठीक है। लेकिन जरा ध्यान यहां पर देना होगा आपको, ये तो मानक रूप है समीकरण का ना, ये मानक रूप है, लेकिन इसमें जो है a का मान है, b का मान है, c का मान नहीं है, तो जब मानक रूप लिखना होगा, ध्यान देना, ये होगा 5y square minus 2y, यहां पर c की वैल्यू नहीं है, तो आपको रखना होगा प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 6x square, यहां पर x नहीं है ना, माइनस सॉरी प्लस 0y प्लस 0 इक्वल टू 0, ये मानक रूप में अगर आपको विस्तार कर लिखना आता है तो ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। गुणांक इसका कितना कितना हो जाएगा, 6 तो 5 माइनस 2 0, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपने क्या देखा, पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एग्जांपल्स लिखने हैं, किसके किसके लिखने हैं, वर्ग समीकरण के एग्जांपल। तो मनमानी रहता है, एक दो आप प्रैक्टिस करके इसको देख सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि यही है वर्ग समीकरण का एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो दूसरा मैं आप बताऊं, दूसरा है आपको ये पता करके बताना है कि वर्ग समीकरण है कि नहीं। नंबर एक सवाल पहले मैं लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर एक है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये पहला है। दूसरा है y स्क्वायर इक्वल टू 5y, y स्क्वायर इक्वल टू 5y और माइनस 10। थर्ड है y स्क्वायर प्लस 1 अपान y इक्वल टू 2। अब फोर्थ है x प्लस 1 अपान x इक्वल टू माइनस 2, और है फिफ्थ है m प्लस 2 m माइनस 5, m प्लस
टू एम माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगला लास्ट है ये छठवा, एम रेज पावर थ्री प्लस थ्री एम स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू थ्री एम स्क्वायर थीम क्यू। चलिए दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, और आपको क्या करना है, इसको ये बताना है ये जो यहां पर समीकरण दिए गए हैं ये वर्ग समीकरण है कि नहीं है ना। अच्छा, अब इसमें तीन बातें आपको लिखनी है, अब आप लिख देना है ये वर्ग समीकरण है या नहीं है। नंबर एक, पहला देखिए, ये क्या लिखेंगे हम, एक ही चरांक है यक्ष ना, यहां पर यक्ष एक ही चरांक है। नंबर दो, यहां पर है a बराबर जीरो नहीं है, ये देखिए यहां पर कुछ नहीं, एक है ना, a बराबर जीरो नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट, इसकी अधिकतम घातांक कितना है, दो है। तीनों चीजें मिल गई, एक ही चरांक है x, और यहां a का माने a b c है, a b c, और a का मान जीरो नहीं है, और इसकी जो अधिकतम मैक्सिमम घातांक इसकी जो है वो दो है, अतः यह वर्ग समीकरण, यह वर्ग समीकरण है, बस ना, तो ये वर्ग समीकरण हो गया। अब जरा दूसरे में देखिए, अब ये मैं बता रहा हूं, यहां भी तीन बातें, यहां भी वाई यहां भी वाई, मतलब एक ही चरांक वाई, एक ही चरांक का उपयोग किया गया है, यहां पर एक है ना, ए बराबर जीरो नहीं है, बराबर है, और सर्वाधिक घातांक इसका कितना है, सर्वाधिक घातांक दो है, ठीक है, इसलिए ये भी देखिए ये भी है क्या है, वर्ग समीकरण, ठीक है। तो पहला भी वर्ग समीकरण है और दूसरा भी है। जरा तीसरे के लिए हम देखेंगे, ये है वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई इक्वल टू टू है ना, तो एक काम हल करें थोड़ा इसको, वाई का यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई पावर थ्री प्लस वन अपॉन वाई इक्वल टू टू। अब आगे हमें कुछ करना ही नहीं है, माने सारी बातें हैं, चरांक एक ही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन घातांक इसकी मैक्सिमम घातांक तीन हो गई, अतः यह वर्ग समीकरण नहीं हो सकता है, बस आगे ना, यह वर्ग समीकरण नहीं है। चलिए चौथा देखिए, ऐसे आप कीजिए चौथे में, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वन ना अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस टू हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू माइनस टू एक्स हुआ, ये तो है ना, एक ही चरांक है एक्स, और यहां पर ए का मान जीरो नहीं है, और उसका अधिकतम घात कितनी है, दो है, अर्थात ये तो है और सही है, ठीक है। चलिए जरा मैं इसको मिटाऊं तब आपको बताऊं क्या है, ठीक है, ऊपर तो मैं ये सब मिटा दो कहो तो ये देखिए, ठीक है। अब जरा पांचवा देखिए, पांचवा है यहां ना, तो आप यहां ऐसे करते हैं, यम इस यम का गुणा इसमें करेंगे, ऐसे एम माइनस फाइव प्लस टू का गुणा कहां करेंगे, एम माइनस फाइव कर लीजिए, एम स्क्वायर माइनस फाइव एम, ठीक है, प्लस टू एम माइनस टेन हो गया। अब यहां एम स्क्वायर बढ़िया है, ठीक है, माइनस टू एम और प्लस टू एम कितना, माइनस थ्री एम हुआ और माइनस टू, ये तो बराबर है ना, क्या बोलेंगे, तीन बातें बोलेंगे, एक ही चरांक m है और a का मान जीरो नहीं है, और सर्वाधिक घातांक कितना है, दो है, अतः यह है, यह वर्ग समीकरण है। सिक्स्थ
तो कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे दिख रहा है m पावर 3। इसकी सर्वाधिक घातांक कितनी है? 3 है। अतः यह वर्ग समीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, आपके सवाल यहां पर हो गए। ठीक, अब हम अगर आपको बताएं कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे आप हल करेंगे, इसमें वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के स्वरूप में लिखो। ये कैसा स्वरूप है? ये तो मानक स्वरूप है, नहीं सामान्य स्वरूप है। तो अभी एग्जांपल में हम लोग देखे थे कि समीकरण में कोई भी चीज आगे पीछे कहीं भी है, तो अगर ए का मान बी का मान चला गया है समीकरण के दाहिनी तरफ में जहां जीरो होता है, उसको उठाकर कर लेंगे किधर? बाएं तरफ कर लेंगे, नहीं चिन्ह का ध्यान रखते हुए, तो मानक स्वरूप हो जाएगा। अब तो ए बी सी का मान भी लिखना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं तो बताता हूं आपको। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, हमको लिखना है इस स्वरूप में, मैं सामान्य स्वरूप लिखना है। तो पहले बच्चों आप देखो ये समीकरण दूसरा क्या दिया गया है, समीकरण नंबर 1 में क्या दिया है, 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर तो हमें यहां चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको ले आइए यहां पर, तो ये माइनस है ना, प्लस हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2y अपनी जगह पर है, इसको यही रहने दीजिए, और ये 10 है ना, 10 को इधर लाइए इस साइड में, तो माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो गया सामान्य स्वरूप। अब यहां पर a b c ये कितना है ये देखिए, यहां पर कोई अंक नहीं है, 1 लिखेंगे, b की वैल्यू कितनी है 2 है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस 10 है। इस प्रकार से आप इसके मान को लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड में है ये देखिए, थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको इसमें, x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, पहले इसका विस्तार कीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। अब पक्षांतर कर लो, सीधी बात है ना, x स्क्वायर माइनस 2x ये लाइए प्लस 2x बराबर माइनस टू एक्स हो ना, प्लस 1 ये लाइए माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये कितना होगा माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया मानक स्वरूप हो गया। अब आपको लिखना a बराबर b बराबर c बराबर, a का मान 1 है, b का मान माइनस 4 है, c का मान माइनस 2 है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका मान हल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जरा हम देखेंगे अगला, कौन सा 3rd। थर्ड में देखिए, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू माइनस, यहां बाहर है 3 माइनस x। ठीक है, पहले काम करो, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू, ये ब्रैकेट आप जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस x हो जाएगा। अब पक्षांतर कर लो, x स्क्वायर प्लस 5x, x दलाओ माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। x स्क्वायर ये कितना होगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x बराबर नहीं, a बराबर 1 होगा, b बराबर 4 होगा, और c बराबर धन 3 हो जाएगा। ये आपका है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा, चौथा। ये यहां पर है 3m स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। पक्षांतर करो दो ना, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर
प्लस 9 इक्वल टू 0। अभी देखो हल कर लो थोड़ा सा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां आप एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, मानक रूप ये होगा एम स्क्वायर प्लस, यहां पर m की एक घात का m नहीं ना, 0m प्लस 9 इक्वल टू 0। बात समझ आई ना, जहां पर ये मन तीन अंक हमें चाहिए, अगर ये नंबर नहीं है इसकी भी जगह पर आपको जीरो रखना पड़ेगा। तो a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, b बराबर कितना हो गया, ये देखिए गुणांक 0 हो गया और c बराबर 9 हो गया। इस प्रकार से a b c का मान निकाल करके आप यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में आप क्या करेंगे, यहां पर P 3 प्लस 6P इक्वल टू माइनस 5, P का मल्टीप्लाई अंदर कर दो ना, 3P प्लस 6P स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5। अब इसको यहां ले लो, 6P स्क्वायर प्लस 3P ना, इधर हो गया, इधर ले लो प्लस 5 इक्वल टू 0, अभी तो आ गया है ना, ये बराबर 6 हो गया, b बराबर 3 हो गया और c बराबर 5 हो गया। आपका ये क्वेश्चन हो गया कौन सा, छठवां, कौन था, पांचवा था, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर हम देखें कि लास्ट जो आपका दिया गया है वो है x स्क्वायर माइनस 9 है, ठीक है, इक्वल टू 13, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 13, पसंद करो एक्स स्क्वायर, अरे एक्स नहीं है ना, प्लस 0 एक्स करेंगे माइनस 9 और 13 धन लाओ, माइनस 13 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स माइनस 22 इक्वल टू 0। अब एबीसी का मान आप आराम से निकाल सकते है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया थर्ड में सिक्स्थ क्वेश्चन थे, ठीक है। अब जरा हम क्वेश्चन नंबर 4 बताएं आपको, बहुत सिंपल सा है, डोंट वरी, बहुत सिंपल है, ये आप एक बार कर लेंगे ना तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक, चैप्टर बहुत आसान आपके लिए है। चलिए अब आपको ये पता लगाना है एक्स स्क्वायर, देखे जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, जरा ध्यान देना यहां पर, इक्वल टू 0 है, इसमें x बराबर 1, x बराबर माइनस 1, इसको मूल कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल, रूट। अब ये पता करना है, ये कैसे पता करेंगे, ये मूल क्या होता है, आप आठवीं में पढ़ चुके हैं, माने जहां जहां पर x है वहां पर 1 आप वैल्यूज वहां पर रिप्लेस कीजिए, ठीक है। अगर हल करने के बाद हल करते 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 आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब जो ये 1 x इक्वल टू n इस समीकरण का मूल है, अगर नहीं आए तो मूल नहीं है। ये देखिए जरा, देखते पहले में, तो x बराबर 1 रखने पर, बात समझ रहे ना, तो यह होगा 1 का वर्ग प्लस 4 इंटू 1, ठीक है, माइनस 5 इक्वल टू 0। अब 1 जा 1 प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0, अब ये कितना होगा, 5 ना, माइनस 5 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 आ गया ना। अब इसका मान 1 रखने पर समीकरण का मान 0 आ गया, इसका मतलब x बराबर 1 इस समीकरण के मूल में है, बराबर है, ये मान सही है। क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 1 मूल में है। अब अगला है माइनस 1, क्या है ये ना, अगला माइनस 1 है, ये आप लोग हल करके देख सकते हैं, अगर हल करते करते उसका मान 0 आ जाए तो लिख देना हाँ x बराबर 1 समीकरण के मूल में है, और अगर हल करने पे 0 नहीं आ जाए, कुछ शंका और आ जाए, तो बोल देना कि मूल में नहीं है। तो ये चौथा क्वेश्चन में
बाकी दो क्वेश्चन आप यहां पर कर सकते हैं। बराबर है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है कि x इक्वल टू 3 ये देता है, x इक्वल टू 3 दिया गया है, है पता नहीं करना है, तो kx स्क्वायर माइनस 10x, kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 ऐसा है। x बराबर 3 है मतलब x इस समीकरण का मूल में 3 है और यहां दिया गया है kx स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आपको k का मान निकालना है। तो बस सिंपल सी बात है, जहां जहां ना x है, x बराबर 3 रखने पर, तो यहां k लिखिए कोष्ठक में 3 का वर्ग बराबर है माइनस 10 इंटू 3 बराबर ना प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 9 k हो गया ना, ये 9 k माइनस 30 प्लस 3 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 9 के ये कितना माइनस 27 होगा ना, तो 9 के इक्वल टू 27 होगा, तो के बराबर कितना होगा 27 अपॉन 9 इक्वल टू 3, तो के का मान कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद कर लेंगे, जैसा आपका पांचवा है वैसा ही है, उसमें आपको बॉक्स बना के दिया गया है, जहां जहां मान है वहां पर x का मान रख करके आप उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये अलजेब्रा का 2.1 का पूरा क्वेश्चन हो गया। आप इसको सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में 2.2 फिर आप बना के देता हूं। ठीक है ना, फास्ट मन लगा के करते रहिए, और शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, क्यों बचा के रखते हैं क्या, केवल मुझे ही आना चाहिए, अब शेयर भी नहीं कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ जितनी भी लोग हो सब्सक्राइब भी आप शायद नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लेते अगर, एक फायदा ये होता मुझे कि बार बार आपको चंड नहीं करना पड़ता, स्वतः मिलता रहता, और दूसरी बात आपको फिर बार से मुझे यह नहीं कहना पड़ता सर आप जबरा का वीडियो दे दीजिए या फिर ज्योमेट्री का दीजिए, ग्रामर दीजिए, वह स्वतः आपको मिलता रहता। इसलिए प्लीज 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 इसको वीडियो देखते ही सब्सक्राइब करके जो बेल का आइकन है, घंटी की बटन है, उसको जरूर दबाइए, नहीं क्योंकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं आपको मिलते रहें, क्योंकि भी जैसे थोड़ा हो जाने के बाद में पेपर पैटर्न दिया जाएगा, पेपर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तो पढ़ने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन देना जरूरी है, सब्सक्राइब करना जरूरी है। ओके, थैंक यू।